एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिव्यू बाय वेनिका। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना सेल्फ पैम्परिंग डे। एक्चुअली क्या है, कल है मेरा हैप्पी बर्थडे, कल है 11th of March एंड आज है 10th of March। तो मैं अपने आप को कुछ स्पेशल फील कराना चाहती थी, बिकॉज क्या होता है, बर्थडे से पहले मन करता है अपने आप को कुछ स्पेशल फील कराओ, खुद को पैम्पर करो। सो मैं आई हूँ हेयर कट कराने के लिए। तो पहले मैं सबसे पहले अपना हेयर कट कराने वाली हूँ, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया अपना हेयर कट कराए हुए। आप देख रहे हो कि मेरे हेयर्स की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, बट अब मैं कुछ चेंज चाह रही हूँ कि थोड़ा सा मेरा एक लुक चेंज हो जाए बिफोर बर्थडे। सो मैं आज आपके साथ अपना पूरा डे शूट करने वाली हूँ, आपको अपना पूरा डे दिखाने वाली हूँ कि मैं आज पूरे अपने डे बिफोर बर्थडे में मैं क्या क्या चीज़ें करने वाली हूँ, और अपना थोड़ा सा मेकओवर और अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर कैसे करने वाली हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, बिकॉज एंड में मैं आपके साथ एक गिव अवे भी अनाउंस करने वाली हूँ, उसके मैं आपको रूल्स बताने वाली हूँ। और मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे उस गिव अवे में पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज मैं ये अपने बर्थडे पे गिव अवे लेके आ रही हूँ आप सबके लिए, अपनी ब्यूटी फैमिली के लिए। सो गाइज, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आइए चलिए चलते हैं। हेलो, कैसे हैं आप सब? मुझे बहुत अच्छा लगा था लास्ट टाइम आपने मेरा हेयर कट किया था, इसलिए मैं फिर से आई हूँ आपके पास। बट मैंने कलर भी करवाया था लास्ट टाइम, लेकिन इस टाइम मैं सिर्फ हेयर कट कराने आई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा सा एक लुक क्रिएट करके दीजिएगा, ठीक है? हेलो, आप कैसे हो? अच्छे हो? चलो मैं हेयर कट करा के फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है? थैंक यू। सो गाइज, सलोन में जाते ही मेरा हेयर वॉश किया गया, बिकॉज मेरा जो स्कैल्प है ना वो बहुत ही ज़्यादा ऑयली है, और मैंने वन डे बिफोर ही अपना हेयर वॉश किया था, बट फिर भी मेरे हेयर जो है बहुत ज़्यादा ऑयली हो चुके हैं। सो उन्होंने मुझे बोला कि पहले आप अपना हेयर वॉश करवाओ, तो बहुत ही अच्छे सल्फेट फ्री शैम्पू से मेरा उन्होंने हेयर वॉश किया। एंड आफ्टर वॉशिंग माई हेयर उन्होंने बहुत अच्छे से एक मास्क अप्लाई किया मेरे हेयर में, जिससे मेरे हेयर जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गए और टैंगल फ्री हो गए। एंड इससे उन्होंने बहुत ही माइल्ड मसाज की। सो नाउ अब मेरा हेयर कट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने वाला है गाइज। सो मैं थोड़ी सी स्पेक्टेकुलर थी अबाउट माई हेयर कि मुझे शॉर्ट कराने चाहिए कि नहीं कराने चाहिए, एंड एट द एंड मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो विद द शॉर्ट हेयर। ठीक है। सो गाइज, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप डिसीजन ले लेते हैं अपने हेयर शॉर्ट कराने का, लेकिन बाद में ना आप उस चीज़ को थोड़ा रिग्रेट करते हैं, आप सोचते हैं कि आपको शॉर्ट कराने चाहिए थे कि या नहीं कराने चाहिए थे? तो इस टाइम मैं भी बहुत कॉन्शियस हो रही हूँ ये सोच के कि मैंने डिसीजन ले तो लिया, बट मैं शॉर्ट कराऊँ कि नहीं कराऊँ, लेकिन ऑलरेडी जो प्रोसेस है वो हेयर ड्रेसर ने स्टार्ट कर दिया है। सो मैंने बस अपनी फिंगर क्रॉस की हुई है कि बस जो फाइनल रिजल्ट हो ना वो बहुत ही अच्छा हो, ताकि मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट ना हो अपने लॉन्ग हेयर को इतना शॉर्ट कराने का। तो गाइज, हेयर कट मेरा डन हो चुका है, एंड अब बस मेरे हेयर को ड्राई किया जा रहा है ब्लो ड्रायर से, एंड अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा हेयर कट एक्चुअल में हुआ कैसा है। सो गाइज, फाइनल रिजल्ट मेरे हेयर कट का कुछ ये है। 3, 2, 1। सो गाइज, फाइनल लुक मुझे अपना बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत शॉर्ट हो गए हैं हेयर मेरे, बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बिकॉज ये ना शॉर्ट हेयर थोड़े से मैनेजेबल हो जाते हैं, एंड मैंने बहुत टाइम से बहुत लॉन्ग हेयर रखे हैं, तो मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा मैं अपना लुक चेंज कर लूँ, और मेरा बर्थडे भी आने वाला है, तो आई एम जस्ट लविंग इट। सो गाइस, हेयर कट मेरा हो चुका है, मैंने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हेयर करा लिए हैं। आपने देखा होगा मेरे कितने लॉन्ग हेयर थे, मतलब मीडियम लेंथ हेयर तो थे ही, बट मैंने अब बिल्कुल शॉर्ट हेयर करा लिए। थोड़ा सा दुख हो रहा है, बट कोई नहीं, बढ़ जाते हैं बाल अपने आप ही। थोड़ा केयर करूँगी ताकि जल्दी से मेरी जो है लेंथ बिल्कुल पहले वाली हो जाए। आई गेस मुझ पर सूट कर रहे हैं ये बाल। प्लीज़ आप मुझे सारे बताना कमेंट सेक्शन में, मेरा न्यू हेयर कट आपको कैसा लग रहा है।
चलो चलते हैं नेल एक्सटेंशंस कराने। सो गाइस, हस्बैंड ने मेरे मुझे पिक कर लिया है और उनको भी मेरा हेयर कट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड अब वो मुझे ड्रॉप कर रहे हैं मेरे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो है मेरे नेल्स। अभी देखो मेरे नेल्स कितने छोटे छोटे से लग रहे हैं और नेल पॉलिश भी ऑलमोस्ट हट गई है, तो अभी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे और ग्रूम्ड दिखने वाले हैं। तो अब मैं आपको मिलती हूँ अब नेल्स कराने के बाद, और नेल्स कराते हुए वो भी मैं थोड़ा सा आपको प्रोसीजर दिखाऊंगी कि कैसे नेल्स मैं करा रही हूँ। और इस टाइम मैं सोच रही हूँ कि बेसिक नेल्स ना करा के जो मैं ड्रेस कल वियर करने वाली हूँ अपने बर्थडे पे, उस कलर कॉम्बिनेशन के कुछ नेल्स करवाती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय। तो गाइज, मैं पहुंच गई हूँ नेल एक्सटेंशन स्टूडियो अपने नेल एक्सटेंशन कराने। सो 20-30 मिनट के वेट के बाद मेरा आ गया नंबर। बिकॉज संडे था तो भीड़ थी, तो नंबर आने में थोड़ा सा टाइम लगा। सो फर्स्टली उन्होंने मेरे नेल्स को किया ट्रिम, देन उन्होंने नेल बफर की हेल्प से किया मेरे नेल्स को बफ। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मेरे माइंड में यही चल रहा है कि मुझे अपने नेल्स पे कौन सा शेड, कौन सा कलर कराना चाहिए। बिकॉज मैं जो पर्सनली हूँ, मैं न्यूड्स की फ़ैन हूँ, लेकिन हर टाइम न्यूड करा के ना मैं भी बोर हो चुकी हूँ। तो मैं इस टाइम चाहती हूँ मैं कुछ बोल्ड कराऊँ, बिकॉज एज यू नो कि कल है मेरा बर्थडे। सो मैं चाहती हूँ कि बर्थडे पे थोड़ा सा मुझे बोल्ड लेना चाहिए। बोल्ड का मतलब मुझे डार्क शेड का नेल पेंट अप्लाई करवाना चाहिए। सो नाउ नेल्स को ग्लू की हेल्प से स्टिक किया जा रहा है, एंड अभी जो है वो नेल्स आपको बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो अभी इसको कट करके ट्रिम कर देंगे, एंड मेरी लेंथ जितनी भी मुझे लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसको शॉर्ट कर देंगे और ट्रिम कर देंगे। इतने बड़े बड़े नेल्स ना गाइस बहुत ही ज्यादा वियर्ड फीलिंग देते हैं, ऐसा लगता है कि ना हम कोई विच है। बिकॉज आपने देखा है ना विच के इतने लंबे लंबे नेल्स होते हैं, सो वही लगता है मुझे भी। लेकिन अब जो है ये इसको ट्रिम करके शॉर्ट कर रहे हैं, जितनी लेंथ मुझे चाहिए उतनी लेंथ के अकॉर्डिंग ही इसको ये ट्रिम कर देंगे नेल्स को मेरे। सो गाइज, अब मेरे नेल्स को मेरे डिज़ायर्ड जो शेप है, ऑलमंड शेप जो मैं ऑलवेज चूज़ करती हूँ, उस शेप में इनको फाइल किया जा रहा है। ये जो नेल एक्सटेंशन का प्रोसेस होता है ना, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, बिकॉज इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। हम सोच लेते हैं नेल एक्सटेंशन कराने की, लेकिन जो भी हमारे नेल एक्सटेंशन करते हैं ना उनको भी बहुत टाइम लगता है। बिकॉज जो शेप बनानी होती है, फिर पेंट लगाना होता है, फिर ग्लू से नेल को स्टिक करना होता है, तो थोड़ा सा ये प्रोसेस टाइम टेकिंग है। तो जब भी जाएं तो थोड़ा सा पेशेंस बना के जाना चाहिए। एंड अब जो है मेरे नेल्स को एक्रेलिक ग्लू से जो है स्टिक ऑन किया जा रहा है, ताकि जो है इसका जो बेस है ना वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। एंड नाउ एक बार फिर से नेल्स को प्रॉपर शेप दी जा रही है, एंड बफिंग की जा रही है नेल्स की, और उसके बाद सिर्फ अब लास्ट स्टेप हमारा रह गया है इसके ऊपर नेल पेंट अप्लाई होना। तो वो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ फाइनली मैंने कौन सा नेल पेंट चूज किया है अप्लाई करने के लिए। सो गाइज, फाइनल जो लुक है वो मेरे नेल्स का है 3, 2, 1। सो आप सबने गेस कर ही लिया होगा मैं अपने बर्थडे पर कल कौन से कलर की ड्रेस वियर करने वाली हूँ। सो मैंने अभी कराया है नियॉन ग्रीन कलर, एंड उसके ऊपर मैंने कराया है बहुत ही ज़्यादा बोल्ड ग्लिटर। बट मुझे पर्सनली नेल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अब लेट बहुत ज़्यादा हो चुका है तो जल्दी से घर चलते हैं। सो
गाइस, मैं अपना हेयर कट कराने के बाद, अपने नेल्स कराने के बाद घर आ चुकी हूँ। थोड़ी सी टायर्ड हो गई हूँ, लेकिन कल बर्थडे है तो उसकी एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है ही, तो इसलिए टायर्डनेस सारी मैं भूल गई हूँ। तो बालों का हो गया, नेल्स का हो गया, तो अब थोड़ा सा है कि अपने फेस को भी ग्लोइंग तो दिखाना पड़ेगा। बर्थडे है तो मेकअप हम लोग कर लेते हैं, लेकिन एक जो अलग ग्लो आता है स्किन में ना, तो उसकी जो एक रौनक होती है ना, वो अलग ही होती है। तो मैंने ना अभी एक होममेड फेस पैक बनाया है, सो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्या क्या डाला है। ऑलमोस्ट सबको वो पता ही होता है, बट मैं यूजुअली जो है 15 to 20 days में ये वाला फेस पैक जो है कोशिश करती हूँ कि मैं अप्लाई कर लूँ। कभी कभी एक एक महीना भी हो जाता है, मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कल बर्थडे है तो आज तो ज़रूर अप्लाई करना बनता है। तो गाइज, ये वाला फेस पैक मैंने बनाया है, ये होममेड फेस पैक है। इसके अंदर है बेसन, हल्दी, एलोवेरा जेल एंड मिल्क। तो इन चारों चीज़ों को मिला के मैंने ये फेस पैक बनाया है। तो इसको मैं जल्दी से अब अप्लाई कर लेती हूँ, बिकॉज टाइम ना बहुत ज़्यादा हो चुका है, रात के 11:30 बज चुके हैं, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। तो जल्दी से इसको अप्लाई करती हूँ। सो ये वाला जो फेस पैक होता है ना, वो स्किन के ग्लो के लिए ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, एंड थोड़ी सी टैनिंग अगर आपके स्किन पे हो रही है ना, तो ये उसको भी रिमूव कर देता है। तो इवनली आपको इसको ना अपने पूरे फेस पे ना अच्छे से अप्लाई कर लेना है। तो आप अगर टाइम है ना आपके पास, तो आप इसको वीकली भी अप्लाई कर सकते हो, एंड रिजल्ट्स जो होते हैं ना इस फेस पैक के बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मैं जल्दी से इसको अप्लाई कर लेती हूँ, पहले बातें कम करती हूँ। मैंने इवनली पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लिया है, एंड अब 10 टू 15 मिनट्स वेट करेंगे हम इसके ड्राई होने का। सो थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर उसके बाद इसको वॉश करते हैं। पैक हो चुका है ड्राई, तो मैं अब इसको कर लेती हूँ वॉश, एंड वॉश करने के बाद मैं आपको मिलती हूँ, बिकॉज मुझे करनी है अपनी गिव अवे की अनाउंसमेंट। मुझे कुछ रूल्स हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं, तो इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, बिकॉज बहुत ही अच्छा, बहुत ही तगड़ा गिव अवे मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। सो गाइज, ये जो गिव अवे होने वाला है, ये गिव अवे होने वाला है 3000 rupees का। तो 3000 rupees के मैं मेकअप, स्किन केयर आइटम्स आपको गिव अवे में देने वाली हूँ। एंड गिव अवे में मैं आपको क्या देने वाली हूँ, वो मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट शॉर्ट्स में। तो गिव अवे के क्या रूल्स हैं, वो पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो गिव अवे का रूल नंबर 1 है, आपको मेरे इस चैनल को, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना है। गिव अवे का रूल नंबर 2 है, आपको मेरे इंस्टा हैंडल जो कि है रिव्यू बाय वेनिका, उसको इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करना है। एंड रूल नंबर 3 है, आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है #IamParticipatingInGiveaway, और उसके बाद आपको एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा कमेंट मेरे इस वीडियो के नीचे करना है। एंड प्लीज अपनी इंस्टा आईडी को मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप अपनी इंस्टा आईडी को मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, बिकॉज मैं उसी से ही रूल आउट कर पाऊंगी कि कौन है जिन्होंने मेरे इस गिव अवे में पार्टिसिपेट किया है, और मैं इस गिव अवे में टॉप 3 विनर्स का अनाउंसमेंट करूंगी, एंड उन टॉप 3 विनर्स के पास वो गिव अवे जाने वाला है। सो गाइज, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस गिव अवे? आप एक्साइटेड हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कौन वो लोग होने वाले हैं जो मेरे इस गिव अवे के विनर बनने वाले हैं। सो प्लीज़ गिव अवे में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिकॉज मैं आपको गिव अवे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे गिफ्ट्स देने वाली हूँ। सो नेक्स्ट शॉर्ट के लिए बने रहिएगा, बिकॉज जो नेक्स्ट शॉर्ट्स आने वाला है वो इस गिव अवे का ही आने वाला है। आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपका नाम नहीं आएगा गिव अवे में, तो एटलीस्ट आपके किसी नियर एंड डियर वन का नाम जो है इस गिव अवे में आ जाएगा। तो गाइज, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अलविदा। एंड गाइज, प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, भूलिएगा नहीं। बाय बाय।